तो फ्रेंड्स ये रहा भागसूनाग वाटरफॉल, अभी थोड़ी दूर है पर यहाँ से भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों पहाड़ों के बीच से कैसे वाटरफॉल नीचे आ रहा है और नीचे ऐसे बहते हुए नीचे की ओर जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का भी नज़ारा, देखिए तो फ्रेंड्स भागसूनाग वाटरफॉल शाम का टाइम है। आप देख सकते हो कि इधर सूरज की रोशनी पड़ रही है और इधर पे नहीं पड़ रही है। दोनों का कलर का डिफरेंस बहुत ही कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है वो आपको बहुत ही लुभावना लगेगा। ये जो वाटरफॉल है बिल्कुल ही अलग है। यहाँ का जो पानी है ये इतनी ठंडी है कि आप इसमें 10 मिनट खड़े नहीं रह पाओगे। 10 मिनट तो मुझे ज़्यादा लग रहा है, 5 मिनट अगर आप खड़े होगे तो आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ठंडी वाटर है यहाँ पे। फॉल आप देख सकते हो, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो बहुत ही ठंडी पानी है यहाँ पे। मैं इससे आगे तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि इससे आगे जाने के लिए मुझे पानी में उतरना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने सूट पहना हुआ है और अभी मैं लगभग बहुत देर से पानी के नीचे खड़ा था। आप देख सकते हो यहाँ का वाटरफॉल बिल्कुल ही अलग तरह का आपको दिखेगा, लगेगा ऐसा कि जैसे दूध की झरना बह रही हो। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आके नहा सकते हैं अगर आपको पूरी बॉडी चिल्ड करनी है तो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ भी अच्छी खासी क्राउड है, आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और तो मैं आपको इधर पे दिखाता हूँ, थोड़ा साइड जर्नी भी कराता हूँ कि ये जो वाटरफॉल से पानी जब नीचे यहाँ तक आती है उसके बाद ये पहाड़ों से होते हुए नीचे की ओर जाता है। देखिए यहाँ बगल में शॉप है जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक जो भी चीज़ है उसके लिए इन्होंने कभी फ्रिज नहीं रखा है, वो इसी वाटर पे रख के पूरा उसको चिल करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको अगर स्नान करने का मन करे तो आप कर सकते हैं। पानी बहुत ठंडा है क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर पर्वत से जो हिम होता है वो पिघल के पानी वो आ रहा है। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही शुद्ध वाटर है, बहुत ही साफ वाटर है। आप देख सकते हैं किसी भी तरह की गंदगी आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको बोलूँगा जब भी अगर आप धर्मशाला या मैक्लोडगंज आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं कि जो पानी ऊपर से गिर रहा है उसके बाद ये जो फुहारा बन रहा है वो आपको आपके साइड आएगा और उसके वो ठंडा रहता है, पूरा ठंडगी आपको प्रदान करेगा।